नमस्कार, स्वागत है आप सबका नारा टीवी पर। जैसा कि कल हमने नारा टीवी के कम्युनिटी टैब में एक पोलिंग डाली थी, जिसमें मैंने पूछा था कि कुमार सानू पर वीडियो बनाई जाए या नहीं। उस पर करीब 11,000 लोगों ने अपना मत दिया, जिसमें से 85% लोगों ने कहा कि कुमार सानू पर वीडियो बनाई जाए। तो आइए जानते हैं 90 के दशक के मेलोडी किंग कहे जाने वाले कुमार सानू की कहानी, जिन्हें हम प्यार से सानूदा कहते हैं। आती है तेरी जब याद बहुत आती है। ना सोना ना चांदी ना हीरे ना मोती, सारी दुनिया से मैं बेगाना। इजहार करती है दीवानगी का ये आँखें है आईना, मेरी जिंदगी का मेरी हसरतों जनाजा उठा के तुम्हें क्या मिला है मुझको मिटा के। बिना तुम्हारे चार कदम भी चला नहीं जाए, बिना तुम्हारे आँखों से कुछ नजर नहीं आए। हम कहीं ना कहें इस जुबान से बात होंठों पे रुकती नहीं। 1980 के दशक के आखिरी सालों की बात है। कलकत्ता से एक लड़का मुंबई पहुंचा। उसकी ख्वाहिश थी कि वो फिल्मों में गाना गाए। धीरे धीरे वासी इलाके में कुछ लोगों से उसकी जान पहचान हो गई। इसी इलाके की एक मेस में उन लोगों ने उसके अपने साथ रहने और खाने का इंतजाम कर दिया। शर्त बस ये थी कि दिन में 2-4 गाना सुनाना होगा। बात बन गई, मुंबई जैसे महंगे शहर में उस लड़के के रहने खाने का इंतजाम हो गया। एक दिन उस लड़के ने थोड़ी दूर के ही एक होटल में देखा कि वहाँ एक गायक गाना गा रहा है। उसे लगा कि वो भी लोगों के मनोरंजन के लिए ये काम कर सकता है। उसने होटल के मालिक से मिलने का समय मांगा। बड़ी मुश्किल से मुलाकात हुई। उस लड़के ने अपने बारे में बताते हुए कहा कि इस तरह तो वो भी गा सकता है। होटल के मालिक ने जवाब दिया कि वो तो ठीक है, तुम भी गा सकते हो, लेकिन जो गायक पहले से मेरे यहाँ है मैं उनका क्या करूँ। काफी बातचीत के बाद तय हुआ कि उस लड़के को एक गाना गाने का मौका मिलेगा। उस लड़के ने उस होटल में आए लोगों के लिए मनोरंजन के लिए जो गाना गाया था वो गाना था मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा। 1976 में फिल्म महबूबा में किशोर कुमार के गाए इस गाने को जब उस लड़के ने गाया तो होटल में आए लोग दंग रह गए। टिप देने का सिलसिला शुरू हो गया। उस जमाने में जब रुपए की कीमत आज से बहुत ज्यादा होती थी, तब उस लड़के के पास 5,000 के करीब टिप जमा हो गई। इसके बाद होटल मालिक ने उस लड़के से आकर सिर्फ इतना कहा कि आज तो गाना गाते ही रहो और कल से तुम्हारी नौकरी पक्की है। आप सब जान तो गए ही होंगे कि ये लड़का कौन था। जी हाँ, ये कहानी है केदारनाथ भट्टाचार्य यानी कुमार सानू की। एक ऐसे गायक जिन्होंने 90 के दशक में फिल्म इंडस्ट्री में पार्श्व गायन के क्षेत्र में एक छत्र राज किया। सानूदा की कहानी बड़ी दिलचस्प है। जन्म हुआ था इनका 20 अक्टूबर 1957 को कोलकाता में। उनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां दिन रात संगीत का माहौल था। सानूदा जब छोटे थे तभी मौत को मात देकर नई जिंदगी पाई थी, जिसमें उनके पड़ोस की एक महिला का बड़ा रोल था। आइए सुनाते हैं वो दिलचस्प किस्सा जब पड़ोस की एक महिला ने उनकी जान बचाई थी। हुआ ये था कि जब कुमार सानू 1 साल से थोड़े ही बड़े थे तो घुटनों के बल चलते चलते घर के बाहर एक तालाब तक पहुंच गए थे। थोड़ी देर में वो तालाब के भीतर जा चुके थे। एक महिला वहीं पास में बर्तन धो रही थी। उन्हें जब छोटा सा बच्चा कीचड़ में धंसता हुआ दिखाई दिया तो उसने किसी तरह उस बच्चे को बाहर निकाला। इसके बाद कीचड़ से सने बच्चे को गोद में उठाकर उन्होंने मोहल्ले में घूम घूम कर पूछना शुरू किया ये किसका बच्चा है। तब जाकर किसी तरह कुमार सानू अपने घर पहुंचे। कुमार सानू के पिता पशुपति भट्टाचार्य शास्त्रीय संगीत के गायक थे, बच्चों को पढ़ाते भी थे। 5 भाई बहन में से हर किसी को संगीत पसंद था। परेशानी ये थी कि अच्छा गायक होने के बाद भी पशुपति जी के पास हमेशा पैसे की किल्लत रहती थी। सानूदा जब छोटे थे तब उन्हें लगता था कि शास्त्रीय संगीत में जाकर रुपए पैसे की कमी ही रहेगी, इसलिए उन्होंने तय किया था कि वे फिल्मी गाने गाएंगे। इतना तय करने भर से काम नहीं चलने वाला था क्योंकि पिता बहुत सख्त मिजाज के थे। किसी तरह कुमार सानू सभी को समझा बुझाकर बॉम्बे पहुंचे। कुमार सानू एक बहुत ही
अच्छे तबला वादक भी हैं। कोलकाता में ये अपने बड़े भाई के साथ ऑर्केस्ट्रा में तबला बजाया करते थे। कुमार सानू को फिल्मों में सबसे पहला ब्रेक मिला एक बांग्लादेशी फिल्म तीन कन्या में, लेकिन बॉलीवुड में गाने का सपना अभी कोसों दूर था। कुमार सानू होटल्स में गाकर अपना दिन काटने लगे। सन 1989 में कुमार सानू को बॉलीवुड में पहला ब्रेक मिला फिल्म हीरो हीरालाल में। इसके बाद कुमार सानू के करियर में भगवान बनकर आए मशहूर गजल गायक जगजीत सिंह। बहुत कम लोग ही जानते हैं कि जगजीत सिंह ने ही कुमार सानू को शुरुआती फिल्मी गाने दिलाने में काफी मदद की थी। हुआ यूं था कि कुमार सानू एक बार किसी स्टूडियो में किशोर कुमार के गाने गा रहे थे। जगजीत सिंह भी वहां पर मौजूद थे। कहते हैं कि जगजीत सिंह को कुमार सानू की गायकी और गायकी का अंदाज बहुत पसंद आया। उन्होंने कुमार सानू के बारे में पता किया और अगले दिन अपने घर आने का न्योता दे दिया। सानूदा के लिए तो ये सपने के पूरा होने जैसी बात थी। जगजीत सिंह से मुलाकात के बाद कहानी तब और आगे बढ़ी जब उन्होंने कुमार सानू को कल्याण जी आनंद जी से मिलवाया। कुमार सानू की गायकी से वे भी काफी इम्प्रेस हुए। चूंकि कुमार सानू की गायकी में किशोरदा की झलक मिलती है, इसलिए उन्होंने ही केदारनाथ भट्टाचार्य को कुमार नाम दे दिया। घर में इन्हें प्यार से लोग सानू कहकर बुलाते थे और इस तरह इनका नाम हो गया कुमार सानू। सानूदा के लिए बॉम्बे में ये उनका नया जन्म हुआ था। कल्याण जी आनंद जी ने इन्हें अपनी फिल्म जादूगर में गाने का मौका भी दिया। आइए एक और दिलचस्प किस्सा बताते हैं जब किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार की जगह कुमार सानू को गाने का मौका दिया गया। 1990 में एक फिल्म बन रही थी आंधिया। फिल्म का संगीत बप्पी लाहिड़ी दे रहे थे। फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा की आवाज के तौर पर एक प्लेबैक सिंगर की तलाश थी। होते करते ये तय हुआ कि ये गाना अमित कुमार से गवाया जाएगा। गाने की रिकॉर्डिंग की डेट तय हुई। काफी देर इंतजार करने के बाद भी अमित कुमार स्टूडियो नहीं पहुंचे। उसी वक्त कुमार सानू और जगजीत सिंह भी उस स्टूडियो में मौजूद थे। जगजीत सिंह के कहने पर वो गाना कुमार सानू से गवाया गया। ये तय हुआ था कि अगर गाना पसंद नहीं आया तो बाद में उसे अमित कुमार की आवाज में रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो गाना सानूदा की आवाज में ही रखा गया। इसके बाद तो अगले कुछ सालों में कुमार सानू प्लेबैक सिंगिंग में संगीतकारों का पसंदीदा नाम हो गए। जब ये उलझन है गाने बैठे गाना सामने समझन है। रहते हैं हम खोए खोए गुमसुम क्योंकि आँखों में तुम हो। मैंने सावन से कहा दिल की आग बुझा, सावन ने कहा चुपके से जल जा, हो जा चुप हो जा, हो जा चुप हो जा। जिंदगी क्या है इस नगमे को गुनगुनाना है। यार नहीं है खता अब नहीं होना जुदा, हमने किया फैसला। किशोर कुमार के मरने के बाद लोग कुमार सानू की आवाज में किशोरदा की झलक देखने लगे। कुमार सानू ने आरडी बर्मन, बप्पी लाहिड़ी, कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, नौशाद, हृदयनाथ मंगेशकर, राजेश रोशन से लेकर नदीम श्रवण, आदेश श्रीवास्तव, आनंद मिलन, जतिन ललित, अनु मलिक और हिमेश रेशमिया जैसे संगीतकारों के साथ काम किया। 90 के दशक में कुमार सानू के जीवन में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब इन्हें फिल्म आशिकी मिली। आशिकी के गानों ने कुमार सानू को उस दौर के गायकों की लिस्ट में नंबर एक पर लाकर खड़ा कर दिया। फिल्म आशिकी के लिए इन्होंने पहला फिल्म फेयर अवार्ड जीता। इसके बाद तो ये सिलसिला अगले कई सालों तक चलता रहा। 1992 में साजन, 1993 में दीवाना, 1994 में बाजीगर और 1995 में 1942 ए लव स्टोरी ने उन्हें लगातार सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड दिलाया। 1996 में उदित नारायण ने आखिरकार फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के गाने के लिए फिल्म फेयर अवार्ड जीता था। वो गाना था मेहंदी लगा के रखना। हालांकि उसी फिल्म में तुझे देखा तो ये जाना सनम गाना लोगों की जुबान पर छाया रहा। उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया। इसी बीच अगले कुछ साल अभिजीत, उदित नारायण, हरिहरन और सोनू निगम जैसे गायकों ने भी शानदार गाने गाए। बात करें इनके निजी जिंदगी की तो सानूदा की निजी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव रहा। कुमार सानू ने दो शादियां की थी। इसके अलावा बॉलीवुड के दो चर्चित अभिनेत्रियों से भी इनका नाम जुड़ा। एक समय वो भी आया जब सानूदा बॉलीवुड से दूर हो गए थे, लेकिन साजिद वाजिद उन्हें वापस लेकर आए।
फिल्मों में गायकी के अलावा कुमार सानू दो बार भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े। हालांकि पहली बार उनका सफर ज्यादा लंबा नहीं रहा था। 2014 में उन्होंने अमित शाह के कहने पर दोबारा बीजेपी ज्वाइन किया था। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ नारद टीवी के फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक करें, ताकि वहां से भी आपको नारद टीवी से जुड़े अपडेट मिलते रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।